अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पालक गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। चूल्हे पे मैंने रख ली है हांडी और नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। ऑयल मैंने ऐड कर लिया उसके अंदर। बस अब थोड़ा सा गर्म होता है उसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। एक प्याज मैंने लिया है, उसको उसके लंबाई में मैंने काट लिया था उसकी। अब उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई इसको करके फिर उसके बाद गोश्त इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब लाइट सा ब्राउन हो गया, अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। इसे भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो इसको हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। अब हमने इसको 10 मिनट तक भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो सब मैंने 1-1 टेबल स्पून लिया है। नमक मैंने लिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने लिया 1 टेबल स्पून, हिसावा गरम मसाला लिया मैंने 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी और थोड़ी सी मेथी ली है। ये सब ऐड कर दें। माशाल्लाह से बहुत प्यारी स्मेल आ रही है इसमें से। अब हम इसके अंदर अदरक 1 टेबल स्पून मैंने उसका पेस्ट बनाया और 2 सब्ज मिर्चें मैंने उनको छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, वो भी ऐड करके। अच्छे से इनकी भुनाई करते हैं 5 मिनट तक। हमने भुनाई कर ली। अब हम टमाटर का पेस्ट डाला है। 2 टमाटर लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो इसको स्टीम लगा देंगे। हमारी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 कप 1 1/2 कप जो है ना मैंने पानी ऐड किया। अब इसको स्टीम लगाएंगे। जब ये गल जाएगा तो फिर हम पालक ऐड करके फिर उसकी भुनाई करेंगे। तो अब हम इसकी ना कुकर को खोल के देखते हैं कि गोश्त कितना गला। तो ये देखें कितने अच्छे से पक गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
अब हम इसके अंदर गोभी, सॉरी गोभी पालक ऐड करते हैं। अब हम इसको अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। पांच मिनट तक हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने भून लिया इसको और घी भी इसने छोड़ दिए। दो मिनट और बुनाई करेंगे हम इसकी तो फिर डिश आउट करते हैं। चले हम अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है। देखें कितना अच्छे से पका है और बहुत मज़े का भी ये बना। तो आप ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट्स में बताना कि कैसा बना। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।